हमें इंसाफ दिलाइए, जो मेरे पति को मारा है उसको भी पकड़ के लाइए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर पांडे और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आए दिन बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। पिछले महीनों से लगातार कई व्यवसायी वर्गों के लोगों की हत्या होती जा रही है। इसी दरमियान पटना में शीशा कारोबारी राजू जायसवाल की भी हत्या की खबर सामने आई। पीड़ित परिजनों से मिलने कई वैश्य समाज के लोग एवं अन्य समाज के लोग भी मिलने आए। मौके पर राजद की प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जायसवाल भी उपस्थित थी। आइए जानते हैं परिजनों से मिलकर लोगों ने क्या कहा। हमें इंसाफ दिलाइए, जो मेरे पति को मारा है उसको भी पकड़ के लाइए। हमें भी सुरक्षा दीजिए। घंटा से ज्यादा समय बीत गए, पुलिस के आश्वासन दिए भी आपसे मिली तो लोग अपना खोजबीन कर रहे हैं। वही जो करती आई है और क्या, जांच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सुराग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जांच में ही लपटा हुआ है अभी तक तो। इनका प्रॉपर कहिए कि एफआईआर दर्ज। घटना के बाद आपको किस तरह का फोन आया? हाँ, घटना के बाद फोन आया था कि आपको पति को हम कब्जा में कर ले, 3 लाख रुपया लेके आओ। पूछे नहीं कौन है, कौन बोल रहे हो? जितना बोलते उतना सुनो। बोले मेरे पति से बात करवा, सुइया दे दिए, 3 घंटा के बाद उठेगा। क्या मांगा? 3 लाख रुपया लाओ। बोले मेरे पास तो 1 रुपये नहीं भैया। हम लोग को घर में पैसा नहीं ना रहता है, बिजनेस वाला आदमी है। उधर गाड़ी का नाम किया गया था? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। अब मर्दाना से कौन का बोलता है भैया, घर में नहीं ना बताए कभी कुछ। कभी नहीं ना बताते कुछ भी, हमको तो नहीं बताए कुछ भी। हमको जानकारी रहता है घर में। और दिन की तरह परेशान दिखते थे आप? परेशान अभी रह रहे क्योंकि 2 साल से व्यापार नहीं चल रहा है। तो कहते थे कि हम कमाते 1 रुपये नहीं, अब कमा रहे हैं। खर्चा तो जो कर्ज भी लिए हुए थे? नहीं नहीं, बोलते थे खर मतलब कमाई नहीं हो रहा, जो खर्च है तो वो तो होना ही है, कंपल्सरी जो तो रहता है वो तो होता ही है ना। पत्नी होने के नाते आपको किसी पर शक है? हमको कुछ सब कुछ नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। हम जाने वही बंधुआ वोटर की बात कर रहे हैं। बंधुआ वोटर बन चुके हैं और वो लोग मान के चलते हैं कि हम मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। कौन सुरक्षित है? आज आप लोग पत्रकार लोग यहाँ पे है ना, अभी मारा गया था मोतिहारी में, आंख तक निकाल लिया गया था। सच दिखाने वालों का जिस राज्य में आंख निकाल दिया जाए, 5 साल 7 साल की बच्ची का जहाँ बलात्कार हो, जहाँ एक भी व्यवसायी वर्ग सुरक्षित नहीं हो। हमने कहा एक एक वोट के साथ एक एक बुलेट यहाँ पे रखा गया है। एक एक वोट आप दोगे बदले में हम एक एक बुलेट देंगे। ये भाजपा जेडीयू की सरकार है यहाँ पे बिहार में। एक एक वोट के बदले एक एक बुलेट वाली सरकार यहाँ पे है। शर्म नहीं आती है खुद को सुशासन का सरकार कहने में? NCRB की डाटा के हिसाब से क्राइम में दूसरे नंबर पे रह करके कैसे कोई अपने मुंह से कह सकता है कि हम जो है वो सुशासन की सरकार है? अपने पूरे देश में आप अपराध में दूसरे नंबर पे, यूपी पहले नंबर पे। यूपी में अभी पता क्या हुआ ना, हत्या हुई है रूम में मनीष गुप्ता व्यवसायी वर्ग से। कितनी किस तरह से पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जो दूसरे समाज के लोग। ये देश में क्राइम में पहले नंबर पे सिटी में अभी यही थे 2010 आरसी हो गए सभी कद्दावर जता है। उसमें हम क्या था, क्या उनको यहाँ 4 गाड़ी की कलर? यही सवाल तो हमको इन सभी से पूछना है, अपने समाज से पूछना है, पूरे व्यवसायी वर्ग से पूछना है। व्यवसायी वर्ग का मतलब कोई पर्टिकुलर जात नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जाति से, अगर वो दुकान चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, वो व्यवसायी वर्ग ही है, ठीक है। और कुछ जाति ऐसे होते हैं जिनका पैसे से वो बिजनेसमैन ही होते हैं, नहीं है सुरक्षित जिनके वो वोटर्स बने हुए ना, बंधुआ वोटर। उन्होंने शब्द बोला है बहुत अच्छा, उन्होंने एक एक वोट के बदले एक एक बुलेट सुरक्षित रखा है। आप आवाज़ उठाइए, आपके लिए एक बुलेट है, जो आवाज़ उठाए उसके लिए यहाँ पर एक बुलेट रखा हुआ है। यह हाल है, 15 साल बनाम 15 साल का हवाला जो देते हैं। हम लोग जो बोल सकते हैं सड़कों पे, जब विरोधी मुखर होकर के बोलते हैं ना,
तो सदन की गरिमा को तार तार करते हुए उनके विधायकों पे बबरतापूर्ण इनके लोगों के द्वारा, इनके जो डीएम और पुलिस के लोगों के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है, ऐसा शर्मनाक कभी वो इतिहास में कहीं देखा था क्या आपने? सारी पराकाष्ठा पार कर चुकी है ये बेशर्म सरकार जो अपने आप को सुशासन का टैग लगाना पसंद करती है। सिर्फ क्राइम में पूरे देश में दूसरे नंबर पे और टैग सुशासन का, इनको क्या कहें? दर्द होता है ना यहाँ पे। मेरे पिता भी व्यवसायी ही थे, उनकी भी गोली मारकर ही हत्या हुई थी। वो दर्द जब हम पढ़ते थे ना अखबारों में कि खबर एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो लगता था खबर पढ़े हैं, और जब खुद पे गुजरा तो लगा कि दुनिया लूट गई।